दोस्तों नमस्कार। पूरी दुनिया घूमने के बाद अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं नीतीश कुमार। एक साल पहले अगर नीतीश कुमार की बात की जाएगी तो प्रधानमंत्री बनने का सपना नीतीश कुमार देखते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसके लिए लगातार दौड़ते हुए भी दिखाई दे रहे थे नीतीश कुमार। कभी दिल्ली जा रहे थे, कभी अखिलेश यादव से बात कर रहे थे, कभी ममता बनर्जी से बात करने की कोशिश कर रहे थे, कभी राहुल गांधी से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे थे, मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। आज जब पता चल गया है कि प्रधानमंत्री के रेस में दौड़ना इतना आसान नहीं होगा, तो दोस्त जो सबसे अच्छा कैंडिडेट है जिससे उम्मीद की जा सकती कि हाँ ये तो फर्स्ट आएगा ही आएगा, उसके पीछे नीतीश कुमार खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बीजेपी से हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर सवाल उठता है कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार पर भरोसा कर पाएगी? इन सवालों का जवाब इस खबर में मैं आपको दूंगा, तो चाहूंगा कि आप पूरी खबर को ध्यान से देखें और समझें कि नीतीश कुमार किस तरीके से अभी तक काम करते हुए दिखाई दे रहे थे, लगातार बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे थे, आज जिसके पाले में नीतीश कुमार खड़े हुए। लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने आज तक की ये कटिंग लाना चाहूंगा। इस कटिंग में कई बातें लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। बीजेपी मांग कर रही है, ये जो गठबंधन हो रहा है नीतीश कुमार का, जेडीयू पार्टी का और बीजेपी का, इसमें बीजेपी दो डिप्टी सीएम की डिमांड कर रही है, और साथ ही साथ स्पीकर का पद भी है, पद जो है वो बीजेपी की तरफ से डिमांड किया जा रहा है। नीतीश और बीजेपी के बीच में तय हो गया पावर शेयरिंग का फॉर्मूला, ये लाइन लिखी हुई है जो आज तक कटिंग शेयर करता हुआ दिखाई दे रहा है, ट्वीट करता हुआ आज तक दिखाई दे रहा है। यहां पे पूरी तरीके से कहा जा सकता है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में गठबंधन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके आगे लिखा हुआ है, बिहार में जेडीयू बीजेपी में पूरे फॉर्मूले पर मंथन हो रहा है। ये बात इस कटिंग में जो कि आज तक शेयर करता हुआ ट्वीट करता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें लिखा हुआ है, बीजेपी सूत्रों ने कहा है कि नई सरकार बनी तो नीतीश कुमार सीएम होंगे। इसी के साथ बीजेपी के दो डिप्टी सीएम होंगे और विधानसभा अध्यक्ष पद की मांग करेगी बीजेपी। ये बातें लिखी हुई है, यानी कि इस गठबंधन में ये सारी बातें बीजेपी और नीतीश कुमार जेडीयू के बीच में होते हुए दिखाई दे रही। इसके आगे लिखा हुआ है, नीतीश को आज ही बीजेपी समर्थन पत्र जो है वो देगी, यानी कि बीजेपी की तरफ से समर्थन पत्र जो है वो नीतीश कुमार को मिल सकता है। अब सवाल है जो मैं आपके सामने बताना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा सरकार को कि क्या इन सवालों का जवाब मिल पाएगा? क्या पॉलिटिक्स में जबान की कोई वैल्यू नहीं होती? अभी मैं आगे आपको बताऊंगा क्यों मैं ये बात कह रहा हूं। क्या पॉलिटिक्स में फायदे के लिए ही सब कुछ होता है, इंसान पलट भी जाता है सिर्फ अपने फायदे के लिए? क्या पॉलिटिक्स अपने लिए होती, अपने पार्टी के लिए होती या फिर देश के लिए होती? क्योंकि इस खबर को सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा किस तरीके से इंसान अपनी पार्टी और अपना फायदा देखते हुए पलटता हुआ बार बार दिखाई देता है। नीतीश का तो दुनिया भर को पता है, आप सबको पता है, पूरा बिहार जानता है, पूरी राजनीतिक पार्टियां जानती है कि नीतीश बाबू जो है वो लगातार पलटते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन बीजेपी से भी ये बात कही गई थी, अमित शाह ने स्टेज से कहा था, आपके बगल में मैंने कटिंग लगा दिया है, देख सकते हैं, अमित शाह कहते हुए दिखाई दिए थे, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। ये बातें अमित शाह कहते हुए दिखाई दिए थे, नीतीश जी को कहते हुए दिखाई दिए थे कि अब आप कभी भी भाजपा से गठबंधन नहीं कर सकते। यकीन नहीं तो मैं आपके सामने ये छोटा सा क्लिप है चलाना चाहूंगा, देख लीजिए अमित शाह क्या कहते हुए दिखाई दिए थे, किस तरीके से बताने की कोशिश कर रहे थे कि बार बार जो पलटी मारते हुए नीतीश कुमार दिखाई देते हैं, अब भाजपा में भाजपा के साथ हाथ नहीं मिला पाएंगे, यानी कि भाजपा की तरफ नीतीश कुमार पलट नहीं पाएंगे। लेकिन 2024 चुनाव आ रहा है, कहीं ना कहीं हर पार्टी चाहती है कि वो सत्ता में ज्यादा से ज्यादा सीटें ले आए, ज्यादा से ज्यादा पावर में आए, ज्यादा से ज्यादा बहुमत से आए। इस वजह से शायद अमित शाह भी अपनी बातों को अब याद नहीं करेंगे, शायद इस बात को अवॉइड करेंगे और कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार के साथ कहीं ना कहीं हाथ मिल जाए। आपके सामने अमित शाह का ये वीडियो, इसके बाद आपको दिखाऊंगा नीतीश कुमार किस तरीके से बातें कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि अब भाजपा से हाथ नहीं मिलाना है, भाजपा के साथ नहीं जाना है। बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। एक तरफ दरवाजा बंद होने की बात हो रही थी और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि मर जाना कबूल है लेकिन उनके साथ जाना कबूल नहीं है। ये बातें कहते हुए नीतीश कुमार दिखाई दे रहे थे, जो पुरानी वीडियो है 2023 की बताई जा रही है, जहां पर नीतीश कुमार ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अब मर जाना कबूल है लेकिन बीजेपी के साथ हम नहीं जाएंगे, बहुत कुछ किया है बीजेपी से अलग होने के लिए, अब वापस उसी जगह नहीं जाएंगे।
लगातार अब वीडियो शेयर होते हुए दिखाई दे रही है। इसके बाद कई बातें आपको बताऊंगा, लेकिन चाहूंगा नीतीश कुमार का भी ये बयान आप सुन ले और समझ ले कि राजनीति में कुछ भी जायज है। जो बातें कही जाती है उन बातों को सिर्फ और सिर्फ हवा में उड़ा दिया जाता है, अपना फायदा जो है उस हिसाब से बातें बाद में बदल दी जाती है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। आज उसी जेडीयू और बीजेपी के बीच में गठबंधन होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या क्या बातें कही जा रही थी, क्या क्या कहा जा रहा था। कोई कह रहा था दरवाजा बंद हो गया, कोई ये कह रहा था मर जाना कबूल है, लेकिन अब उनके साथ गठबंधन करना, उनके साथ जाना कबूल नहीं है। जो दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए थे वो आज नीतीश के लिए खुल गए हैं, और इसी जिंदगी में नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल होंगे या आप देखेंगे। अभी जो बातें कही गई थी वो बातें सिर्फ और सिर्फ बातें थी, उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। 2024 चुनाव से पहले ये बात पता चल गई कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार की दोस्तों बात की जाए, 2023 में मैंने आपको कई खबरें बताई थी जिसमें नीतीश कुमार लगातार विपक्ष के नेताओं से मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। दिल्ली जा रहे थे, यूपी जा रहे थे, हर जगह जाकर मीटिंग कर रहे थे कि कैसे रास्ता साफ हो सके नीतीश कुमार का अगर उन्हें 2024 में उम्मीदवार बनना है प्रधानमंत्री का। इसके लिए लगातार मेहनत करते हुए दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। कभी राहुल गांधी से 50 मिनट की मीटिंग कर रहे थे नीतीश जी। इसके बाद अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल से भी बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। कहीं ना कहीं नीतीश अपना फॉर्मूला जो था वो बना रहे थे कि कैसे 2024 में प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए उनका चेहरा सामने आता हुआ दिखाई दे। इसके बाद अखिलेश यादव के ऑफिस के बाहर पोस्टर लगे हुए थे, यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार, ये पोस्टर भी लगाया गया था जब नीतीश कुमार अखिलेश यादव से मिलकर ये बातें करते हुए दिखाई दिए थे कि 2024 में किस तरीके से रणनीति बनानी है। खबर तो ये भी आई थी कि ममता बनर्जी से भी बात करने की कोशिश कर रहे थे नीतीश कुमार 2024 चुनाव को लेकर, लेकिन ममता बनर्जी ने यह साफ कर दिया था कि हम अभी फिलहाल अकेले लड़ना चाहते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी प्लस आरएसएस का भी फुल फॉर्म बताते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे थे। बिहार में उनकी पार्टी पोस्टर जो लगा रही थी उसमें बताने की कोशिश की जा रही थी बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर पूरी तरीके से राष्ट्रीय सरकारी संपत्तियां जो है वो बेच दी है। आपको बताना चाहूंगा इस पोस्टर में आखिरकार लिखा क्या हुआ है, बेच कर जाएंगे पूरी राष्ट्रीय सरकारी संपत्तियां। यहां पर आप देख सकते हैं नीतीश कुमार का चेहरा जो है वो लगा हुआ है। ये पोस्टर आप ध्यान से देखिएगा, ये बिहार का पोस्टर है, हाल ही में पोस्टर लगाया गया था 2023 की अगर बात की जाए। मैंने खबर भी आपको बताने की कोशिश की थी, लेकिन आज नीतीश कुमार उसी पार्टी में जा रहे हैं, उसी पार्टी से हाथ मिला रहे हैं जिनके बारे में ऐसी बातें लिखते हुए नीतीश कुमार दिखाई दे रहे थे। इतना ही नहीं, इसके आगे भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जुमला नहीं हकीकत, आपके बगल में दोस्तों पोस्टर लगा दिया है, आप देख सकते हैं जुमला नहीं, अब जुमला कौन देता है आपको पता होगा, और ये बातें नीतीश कुमार लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार का बगल में पोस्टर लगा हुआ है, उनकी पार्टी की तरफ से ऐसी बातें कही गई हैं, बड़ा बड़ा पोस्टर लगा हुआ है बिहार में, इसका मतलब साफ है कि ये सारी बातें तय की गई होंगी पार्टी के अंदर, उसके बाद ऐसे पोस्टर बनाए गए। इसके आगे मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, प्रदेश में देखा देश में देखेंगे, इस तरीके की बातें लिखी गई हैं, यानी कि साफ है प्रदेश में एज अ सीएम नीतीश कुमार को देखा गया है। इसके बाद देश में भी देखने की बातें कही जा रही हैं, आश्वासन नहीं सुशासन, ये बातें कही जा रही हैं। आप जो पोस्टर में देख रहे हैं नीतीश कुमार का चेहरा लगा हुआ है, यहाँ पर नीतीश कुमार सीधा सीधा बीजेपी के ऊपर, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, उनके बयानों के ऊपर निशाना साधते हुए अपना चेहरा लगाकर बातें लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज उसी पार्टी के साथ गठबंधन करते हुए नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू कहा जा सकता है दिखाई दे रही है। इतना सब करने के बाद अब नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, ये सबको पता है। अब आप बताइएगा हमें दोस्तों, क्या राजनीति में जबान की कोई वैल्यू नहीं है। मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि नीतीश कुमार ने अखिलेश यादव से बात की, दिल्ली जाते हुए दिखाई दिए, साथ ही साथ इस तरीके के पोस्टर नीतीश कुमार की तरफ से आए, नीतीश कुमार ने खुद बयान दिया मर जाना कबूल है, लेकिन अब बीजेपी में जाना मुश्किल है, इस तरीके की बातें नीतीश कुमार करते हुए दिखाई दिए, जो सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो वायरल हो रही है। इसके बाद भी अब सच्चाई आपके सामने है जो आज तक लिखता हुआ दिखाई दिया, क्या बीजेपी को भरोसा हो पाएगा। मैं चाहूंगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या बीजेपी भरोसा नीतीश कुमार पे कर सकते, जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार पलटते हुए दिखाई दिए। अभी हाल ही में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, उसके बाद देखा गया कि वो आरजेडी के साथ आ गए, उसके बाद फिर बीजेपी के पास जाते हुए दिखाई दे रहे। कितनी बार पलटेंगे नीतीश कुमार इसका किसी को पता नहीं, खुद नीतीश कुमार को भी पता नहीं। अगर आपको लगता है कि नीतीश कुमार पर भरोसा किया जा सकता है और बीजेपी के लिए फायदे की चीज है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं अपनी राय, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।